मामूली विवाद को लेकर गुस्साए लोगों ने पटना के सिगोड़ी थाना पर हंगामा और पथराव कर दिया। इस दौरान लोगों ने थाना में जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने मौजूद कई लोगों ने फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सिगोड़ी गांव में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई थी और इसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे, जिसमें से एक घायल की मौत की गलत जानकारी मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पटना पश्चिमी के SP अशोक मिश्रा, पालीगंज के DSP और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। 50 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर, क्या हुआ सिगोड़ी में जहां आप आए भी हैं? देखिए, 23 दिनांक 23 अप्रैल की घटना को लेकर यहां पे हालांकि थाना में FIR दर्ज हो गया था, लेकिन किसी के द्वारा अफवाह फैला दिया गया वहां कुछ नवयुवकों में कि अभी डिसीज्ड की ये जो इंजर्ड है वो इंजर्ड अब डिसीज्ड हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। और ये भी अफवाह फैला दिया गया कि FIR नहीं हुआ है। इस पर इकट्ठा होके कुछ लोग आके और FIR की करने और कार्रवाई करने की मांग करने लगे। थानाध्यक्ष के द्वारा बताने पर भी कि FIR दर्ज हो गया है, लोगों के द्वारा उपद्रव कर दिया गया और यहाँ पे 100-200 आदमी लगभग इकट्ठा होके और लॉ एंड ऑर्डर कर दिए। उस पर उन लोगों पर FIR करके और उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? अभी 6 पुलिसकर्मी के घायल इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और मोटरसाइकिल वगैरह को लोगों ने क्षतिग्रस्त किया है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह को फोड़ दिया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई है।